हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इन द क्लास 9th वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन ऑफ द चैप्टर नंबर 13, व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर से हम अभी आज नया रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं और हम सबसे पहले मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलो देखते हैं, दिस इज द मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस MCQs जिसे हम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, Which one of the following is not a viral disease? A is dengue, AIDS, typhoid, influenza. What is his answer? Answer is C. Typhoid is not a viral disease. It is a bacterial disease. ठीक है ना? Typhoid fever is also known as a typhoid. It is a common worldwide bacterial disease transmitted by the ingestion of food or the water contaminated. Contaminated मतलब जो खराब हो गया है जिसमें, that is called the contaminated with the feces. Feces मतलब जो आप सवेरे जाते हो लेटरिन में, that is called the feces of the infected person. ये होता है उसका। ठीक है, आप देखते हैं डेंगू फीवर के बारे में भी जरा देख लेते हैं। व्हाट इज द डेंगू? डेंगू फीवर इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रेकबोन फीवर। ठीक है, ब्रेकबोन फीवर बोलते हैं इसे। एंड इट इज अ मॉस्किटो बोन ट्रॉपिकल डिजीज कॉज बाय द डेंगू वायरस। ठीक है, कॉज बाय द डेंगू वायरस। देन सिम्टम्स इंक्लूड अ फीवर, हेडेक, मसल्स एंड ज्वाइंट पेन्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्किन रैशेज दैट सिमिलर टू द मीजल्स। मीजल्स में जैसे जैसे सिम्टम्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी। चलो, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड द HIV। एंड द वायरस इन्फेक्शन एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड द AIDS। इसका फुल फॉर्म है, HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शन। एंड द एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इज कॉल्ड द AIDS। इट इज़ अ डिजीज़, यहाँ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, यानी ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो स्ट्रॉन्ग बीमारी से लड़ने वाला जो सिस्टम होता है, दैट इज़ कॉल्ड द इम्यून सिस्टम। ठीक है, कॉज बाय द इन्फेक्शन, अगर वही इन्फेक्टेड हो गया विद द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस तो क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही अहम बीमारी है, इसे बहुत अगर हो जाती है तो क्योर इसे करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नाउ कम टू दिस इन्फ्लुएंजा। व्हाट इज दिस इन्फ्लुएंजा? कॉमनली नोन एज द फ्लू, इसको हम कॉमनली फ्लू के नाम से जानते हैं। इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ मैमल्स कॉज्ड बाय RNA वायरस। ठीक है, एक RNA वायरस रहता है, वो उसके अंदर में वायरस के अंदर में RNA मॉलिक्यूल रहता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर चिल्स, फीवर्स, रनी नोज, नाक बहना जिसे हम कहते हैं, सोर थ्रोट, मसल्स पेन्स, हेडेक, ऑफन सीवियर, कफिंग भी होता है इसमें, वीकनेस, फैटीग एंड जनरल डिस्कम्फर्ट, ये सारे चीज़ इन्फ्लुएंजा में होते हैं। तो चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज? कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स, इन्फ्लुएंजा। तो क्या है? इन्फ्लुएंजा इज अ वायरल डिजीज कॉज बाय द मैक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इसका नाम याद रखिए, मैक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, चलो देखते हैं अभी लास्ट। कॉलरा के बारे में जानकारी लेते। कॉलरा इज एन इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉज बाय द बैक्टीरियम वाइब्रो कॉलरे। इसका नाम है वाइब्रो कॉलरे। ठीक है, द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस कॉलरा आर वाटरी डायरिया एंड वोमिटिंग। डायरिया एंड वोमिटिंग इसके मेन सिम्टम्स है। दिस मे रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन एंड इन सीवियर केसेस इट रिजल्ट द ग्रेश ब्लू स्किन। स्किन भी कैसी ग्रेश ब्लू हो जाती है इसमें।
अब आ जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में. ट्यूबरक्लोसिस कॉज बाय द वेरियस स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरिया, यूजुअली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस इज अ टिपिकल अटैक द लंग्स. ये ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादातर लंग्स में अटैक करता है, बट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट इज स्प्रेड थ्रू द एयर वैन पीपल हु हैव इट्स इन्फेक्शन कप. अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बाजू में बैठ जाएंगे तो आपको भी होने का डर रहता है. स्नीज छींक देता है तो भी आपको हो सकता है. एंड ट्रांसमिट द रेस्पिरेटरी फ्लूइड थ्रू द एयर, और ये एयर के माध्यम से भी ट्रांसफ़र होता है. चलो देखते हैं उसके बाद में एंथ्रेक्स क्या कहता है. एंथ्रेक्स इज़ एन एक्यूट डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम. यानी एंथ्रेक्स इज अ बैक्टीरियम दैट इज कॉल्ड बेसिलस एंथ्रेक्सिस. ठीक है, बेसिलस एंथ्रेसिस इज द बैक्टीरियम. मोस्ट फॉर्म ऑफ द डिजीज आर लीथल, बहुत खतरनाक होता है. एंड इज अफेक्ट बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दोनों को हो सकता है. देर आर हाउ इफेक्टिव वैक्सीन्स अगेंस्ट एंथ्रेक्स एंड सम फॉर्म ऑफ द डिजीज रिस्पॉन्ड वेल टू एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट फॉर द इन्फ्लुएंजा. यानी इन्फ्लुएंजा में जो हमने देखे थे पढ़े थे वही उसके सिम्टम्स दिखेंगे. ठीक है, और ट्रीटमेंट भी वही होगा उसका. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो. ब्रेन फीवर, मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू. क्या होता है देख ले. टाइफॉइड आंसर इज द टाइफॉइड. टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज बाय द सेल्मोनेला टाइफी. ठीक है, सेल्मोनेला टाइफी इज अ बैक्टीरिया. इट इज़ अ फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज एंड इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो. मॉस्किटो से ट्रांसफर नहीं होता है कभी ये. अब ब्रेन फीवर क्या होता है. ब्रेन फीवर, मलेरिया एंड डेंगू ऑल ऑफ देम आर कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड आर स्प्रेड बाय द वेक्टर्स. किसी के द्वारा ही फैलते हैं वो, डायरेक्टली कुछ नहीं होता किसी के द्वारा. दैट इज कॉल्ड द वेक्टर बोर्न डिजीज भी बोल सकते हैं हम इसको. मॉस्किटो एनोफिलिस ट्रांसमिट द मलेरिया, क्यूलेक्स ट्रांसमिट द फाइलेरियासिस एंड द एडीज ट्रांसमिट द डेंगू. है ना, इस प्रकार से ये वैक्टर्स ट्रांसफर होते हैं. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय द बैक्टीरिया. टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, मलेरिया. मलेरिया कभी भी बैक्टीरिया से नहीं होता क्योंकि ये मच्छर से होता है. मलेरिया इज अ मॉस्किटो बोन इन्फेक्शन डिजीज कॉज बाय द प्लाज्मोडियम. अब इसके अंदर में जो निकलता है दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मोडियम. प्रोटोजोन है, जबकि ये इट इज़ अ कैरेक्टराइज बाय पीरियोडिक अटैक्स ऑफ शिवरिंग जैसे कपना, ठंडी लगना, बाय द हाई फीवर. हेडेक होता है इसके अंदर में एंड मस्कुलर पेन्स. एनीमिया एंड एनलार्ज स्प्लीन आर द अदर सिम्टम्स. यानी अभी अब तक हमने जो भी देखे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जितने भी सिम्टम्स हैं और ट्रीटमेंट है वो इसमें भी लागू होगी. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंप्लीट टुडेस रिवीजन पार्ट. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल. एंड इट इज़ अगेन आई एम रिवाइजिंग दिस, इट इज़ बिकॉज यू शुड लर्न द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर्स एंड वॉट आर द डिजीज, वॉट आर द ट्रीटमेंट्स, वॉट आर द सिम्टम्स एंड ऑल दैट. ओके ओके देन गुड बाय स्टूडेंट्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क. राइट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर योर क्वेश्चन. थैंक यू.